रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही नई दिल्ली पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से उत्पन्न हुई स्थिति का पूरी तरह से समाधान कर लेगी। 15 अप्रैल को पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारतीय क्षेत्र के काफी अंदर तक चीनी घुसपैठ हुई थी। खबरों के अनुसार भारतीय सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक पलटन ने एक टेंट लगाकर पोस्ट स्थापित की थी। चीन की लिबरेशन आर्मी की एक पलटन में 50 सिपाही होते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। चाइना जो अंदर आए हैं, काफी अंदर आए हैं, इस सिलसिले में हमने पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया है, तो अभी तक जो है वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया है, मगर उनका जो है वो काफी अंदर आए हैं, इस सिलसिले में हमने उनको वेल इन्फॉर्म किया है। सर, कितना सीरियस मानते हैं आप इसे, क्योंकि लगातार चाइना की ये तो काफी सीरियस मसला है। बार बार वो जो है यहाँ जो है अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सीरियसली देखना चाहिए। विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस मामले में कोई कार्रवाई ना करने के लिए सरकार की निंदा की है। चाइना लद्दाख की जो हमारा जो बॉर्डर है 10 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस आया, और एक मिलिट्री पोस्ट भी वहां पर, एक टेम्पररी मिलिट्री पोस्ट भी बना लिया। हमारी गवर्नमेंट साइलेंट, नो रिएक्शन। सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत और चीन इस मामले को हल करने के लिए आपसी संपर्क बनाए हुए हैं। उधर विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हम चीनी घुसपैठ के मामले को उचित तरीके से हल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।